News 24. क्या बाला साहब वाकई सिर्फ उद्धव ठाकरे को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे? राज ठाकरे और उनके नेता और बहुत सारे बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि असली उत्तराधिकारी होने का जो हक है वो राज ठाकरे ऐसे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां आपकी नेचुरल एलाई आपके साथ नहीं है, वो आपकी विरोधी है, और जो नेचुरल ऑपोजिशन था आपका वो आपके साथ है। कितना चैलेंजिंग? तो नेचुरल अलायंस हमारी उस बीजेपी के साथ थी जो वाजपेयी साहब की बीजेपी थी, अडवाणी साहब की बीजेपी थी। कड़वाहट आ गई है, ये हो गया है, ये 2014 से हुआ है। बीजेपी वाले यहाँ तक कहते हैं बाला साहब की आत्मा रो रही होगी। सारे के सारे भ्रष्टाचारी अभी तो अपने देश में से, भारत में से लिए, कल जाके वो दुनिया में ऑफर दे देंगे कि आप भ्रष्टाचारी हो, आओ वॉशिंग मशीन में आओ। दिल्ली के सामने कभी झुका नहीं है, और इसी महाराष्ट्र को झुकाने का काम ये गद्दारों ने किया है। कभी हुडी पहन के छुपके जैसे ये मिंदे गए थे फडणवीस साहब को मिलने, वैसे कभी नहीं हमने किया। कौन गया था हुडी पहन के? मिंदे गए थे फडणवीस साहब को मिलने, और फडणवीस साहब कभी कभी आते थे उनसे। आपको कैसे पता वो हुडी पहन के गए? जो वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे, जो मेरे दादाजी, उनके बेडरूम में तय हुआ था, तभी तय हुआ। कौन कौन था उस मीटिंग में? अब उनके सबसे खराब समय में हमने उनका साथ दिया, लेकिन जब हमारे परिवार पे सबसे खराब समय बीत रहा था तभी इन्होंने हमारी सरकार गिराई। वर्ल्ड कप फाइनल आप भी जानते हो वानखेड़े में ही होनी चाहिए थी। दाऊद इब्राहिम के दोस्त है, उनको तो आज लेके बिठा दिया है गोदी में नवाब मलिक। 200 के आगे जाना उनका मुमकिन नहीं। आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे सीएम बनाना चाहते हैं, जैसे राहुल गांधी को सोनिया गांधी पीएम बनाना चाहती है। कौन था जो पर्दे के पीछे आपकी पार्टी भी तोड़ रहा था और एनसीपी को भी तोड़ रहा था? क्या उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस थे या दिल्ली से हो रहा था? पहले राहुल गांधी माफी वीर कहते थे, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया वो कहना। पहले मंदिर फिर सरकार, भाजपा को याद दिलाया उनका जो वादा था, भूल चुके थे। आप कह रहे हैं ये डर के चले गए, वो डर के चले गए, ये बिक गए, वो बिक गए। राज ठाकरे क्यों चले गए? देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अभी तक का आप किसे मानते हैं? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? देवेंद्र फडणवीस या उद्धव ठाकरे, बेहतर सीएम कौन? देश का सबसे बड़ा मराठा नेता आप किसे मानते हैं? देश का सबसे बड़ा हिंदू नेता किसे मानते हैं? क्या आप दोबारा बीजेपी के साथ जाएंगे, क्या संभावना है? हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू मातोश्री में आदित्य ठाकरे का। आदित्य ठाकरे के बारे में क्या कहूँ, परिचय देने के लिए हजार चीजें हैं, पर बेसिक आदित्य ठाकरे वर्ली से एमएलए हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, और उससे भी ज़्यादा आई एम श्योर उस पर आपको गर्व भी होता होगा, बाल ठाकरे के पोते हैं। बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। चाय वाला इंटरव्यू में थैंक्स फॉर डूइंग दिस आदित्य। शुरुआत करते हैं यहीं से, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन से। चुनाव में पहली बार आप एक ऐसे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां आपकी नेचुरल एलाई आपके साथ नहीं है, वो आपकी विरोधी है, और जो नेचुरल ऑपोजिशन था आपका वो आपके साथ है। कितना चैलेंज है? मुझे लगता है चैलेंज ये नहीं है, चैलेंज आज देश के सामने जो विषय है वही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप देखते जाए तो दिन ब दिन पिछले 10 सालों में जो भी वादे दिए थे, हम भी उसी अलायंस में थे, एनडीए में थे तब जब वादे किए थे, हम भी हर गाँव में जाते थे, हर शहर में जाते थे, किसानों से कहते थे कि उनका जो इनकम है वो दुगना होने वाला है, स्मार्ट सिटीज़ बनने वाली है, काफ़ी सारे जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, या अगर आप देखिए डॉलर और रुपी ये इक्वल होने वाला है, महंगाई कम होगी, ये सारी बातें तब भी अलायंस में कहते थे। और हमने देखा कि धोखाधड़ी वहीं होगी जब ये सारे वादे पीछे निकल गए, और आज जो बात चली है कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है। तो चैलेंज आज देश के सामने यही है कि हम सभी लोग, अगर आप देखें तो राजनीतिक दल पिछले 50 साल में क्या हुआ, 75 साल में क्या हुआ, उस पर झगड़ रहे, कोई फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, और यही बड़ी चैलेंज है। अगर आप देखें तो जो हमारा नेचुरल है कि अगर बात करें तो नेचुरल अलायंस हमारी उस बीजेपी के साथ थी जो वाजपेयी साहब की बीजेपी थी, अडवाणी साहब की बीजेपी थी, जो सबकी आवाज़ सुनती थी, डेमोक्रेटिक थी, ऐसे मानती थी कि देश यानी हर एक राज्य सिर्फ एक राज्य नहीं है जहाँ सब इंडस्ट्रीज लेके जा रहे हैं। तो ये जो बात है, यानी कि आपका रिश्ता अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी आने के बाद बदल गया। देखिए उनसे कोई झगड़ा नहीं है, ना पहले था ना भी है, लेकिन जो एक तानाशाही की जो आइडियोलॉजी आज बीजेपी फॉलो करती है कि देश में तानाशाही होनी चाहिए, देश में किसी की आवाज़ ना सुनो, जो आवाज़ बात करे फिर वो अगर पॉलिटिक्स में की हो, राजनीतिक दल को ही हो, कोई राजनेता हो या फिर कोई पत्रकार हो, खिलाफ कोई बात करे तो उनके जो मित्र पक्ष है ED IT CBI घर जाते हैं उनके। तो यही बात है कि ये जो क्या आपको ये भी डर लगता है? ये समीकरण हुआ है वो अननेचुरल हुआ है। आपको भी डर लगता है क्या कि कहीं आपके घर CBI ED डर नहीं तो डर क्या लेकिन उस दल में हम रहना नहीं चाहते, क्योंकि देखो
हमारा कंट्रीब्यूशन देश खत्म करने में नहीं होना चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन संविधान को बदलने में नहीं होना चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन जो लोकशाही है, लोकतंत्र है, वो जैसे है वैसे रखना ज़रूरी है, जो संविधान है उसे वैसे ही रखना ज़रूरी है। लोकशाही लोकतंत्र कभी कभी क्योटिक हो जाती है, कन्फ्यूजिंग हो जाती है, बहुत सारी आवाज़ें होती है, लेकिन वही आवाज़ें तो हमारे देश है। मैं इसी से यही सवाल पूछ रहा था, क्या कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का जो ये अलायंस है एनसीपी के साथ भी मिला के, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर लेंगे चुनाव में? जैसे आपने देखा होगा जब 2.5 साल में हमारी सरकार थी, जैसे काम हुए, जैसी प्रशंसा हुई दुनिया भर से कोविड के समय पे, WHO ने प्रशंसा की थी, और जो अगर आप देखें ऑन ग्राउंड, आज भी अगर आप पूछे किसानों से जाके पूछे महाराष्ट्र में कि मदद मिली कि नहीं मिली, जब आप पे कोई आपत्ति आई तो कहते उद्धव ठाकरे की मदद मिली, उन्होंने जो मदद की थी उनकी सरकार ने तब हुई, महाविकास आघाड़ी की हुई, अभी कुछ नहीं हुई। शहरों में देखें, पुणे अगर आप जाए, मुंबई आए, नागपुर जाए, अगर आम जनता से पूछे तो काम किसने किया तो कहते हैं महाविकास आघाड़ी से। ये राजनीतिक दल जो होते हैं, ये आपस का गुस्सा हो, दुश्मनी हो, ये दुश्मनी और गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये जो मतभेद होते हैं वो विचारों पे होते हैं, और अगर विचार यही हो कि हमें आज की ज़रूरत क्या है, तो देश में संविधान है उसे बदलाना जाए, देश की जो लोकतंत्र है उससे कोई खतरा ना हो, वो तो सभी का विचार जो साथ में आते हैं वो आते हैं, होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन इतनी कड़वाहट आ गई है, ये हो गया है, ये 2014 से हुआ है। बीजेपी वाले यहाँ तक कहते हैं बाला साहब की आत्मा रो रही होगी कि आपने उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। मुझे लगता है कि अगर वो पुरानी बीजेपी होती तो हमें भी दुख होता कि हम उनसे दूर हो गए, लेकिन ये बीजेपी जो है वो बीजेपी नहीं है। अगर आपने देखा होगा हम किसके खिलाफ थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, जो विकास के खिलाफ है उनके खिलाफ थे, सारे के सारे भ्रष्टाचारी अभी तो अपने देश में से, भारत में से लिए है, कल जाके वो दुनिया में ऑफर दे देंगे कि आप भ्रष्टाचारी हो, आओ वॉशिंग मशीन में आओ, निर्मा पाउडर हमारे पास है या जो भी ब्रांड उनके पास है, EDIT CBI पाउडर हमारे पास है, धो लेते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में से आपको कांग्रेस को अभी अगर चुनना पड़ा, अभी अगर हम भाजपा के साथ जाए तो हम भ्रष्टाचारियों के साथ जाएंगे। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो जो मिंदे सेना है, मिंदे गुट है, या राष्ट्रवादी से फूटी हुई गुट है, हर आप मिंदे गुट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो झुके हुए हैं, जो दिल्ली के सामने। मिंदे का क्या मतलब? आप डिक्शनरी देख लीजिए। लेकिन अगर आप देखें तो महाराष्ट्र एक स्वाभिमानी महाराष्ट्र रहा है, दिल्ली के सामने कभी झुका नहीं है, और इसी महाराष्ट्र को झुकाने का काम ये गद्दारों ने किया है। बात यही है कि खुद पे जो केसेस थे, खुद पे जो फाइल्स थे, वो साफ करने के लिए वहां गए। मतलब आपको मजबूरी में उस तरफ धकेल दिया गया जहां आप कभी जाना नहीं चाहते थे। देखिए, दो बार बीजेपी ने धोखाधड़ी की, दो बार धोखा दिया, पहले तो 2014 में दिया, तभी तो हमने लोकसभा के लिए भी प्रचार किया था, विधानसभा में हमने प्रचार किया, और उसके विधानसभा में चुनाव होने के पहले जब सीट शेयरिंग की बात हुई, तब बीजेपी के जो एक सीनियर नेता है, शायद अभी वो वापस बीजेपी में जा रहे, खड़से साहब ने फ़ोन किया था और उन्हें कहा था उद्धव जी अभी ये अलायंस हो नहीं सकती है। हमने कहा क्यों भाई, ये तो सब हुआ है और 2 दिन है, अगर कुछ बातें करनी हो, कुछ सीट्स एक्सचेंज करनी हो, कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऊपर असेंबली इलेक्शन की बात बता रहे हैं, असेंबली इलेक्शन 2014 अलग अलग लड़े थे, 2014 में अलग अलग लड़े थे, तो उन्होंने एक साफ बात कही, नहीं ऊपर से ऐसे आदेश है कि शिवसेना के साथ अभी रहना नहीं है, अलग अलग लड़ना है। जब उनकी बात बनी नहीं, सरकार बनी नहीं, तो फिर वापस बुला लिया, चलो हम साथ आ गए, क्योंकि एक आइडियोलॉजी थी, तो हम भी सोचते थे। आपने उसे धोखाधड़ी इसलिए कहा क्योंकि आपको जो सीटें देनी चाहिए थी उन्होंने जब प्रॉमिस किया था, सीटों की बात पूरी हुई थी, हुई थी सीटों की बात पूरी थी। हम तुलजा भवानी के मंदिर में थे, दर्शन लेने अंदर गए, बाहर आए तो फोन आया अनिल देसाई साहब का, कि उद्धव साहब को फोन आया कि अभी तो ये अलायंस बोल रहे हो नहीं सकते, और तभी तक ऐसा मामला था कि चलो आपने सीट शेयरिंग हो गई, हमारी सीट शेयरिंग हो गई, शाम को या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जाहिर करते हैं। बीजेपी बैकआउट कर गई, बीजेपी बैकआउट कर गई, क्यों? क्योंकि वो सारी सीटों पर लड़ना चाहते थे। क्या हम तब हिंदू नहीं थे? क्या हम तब नेचुरल अलायंस नहीं थे? क्या हम तब शिवसेना नहीं थे? तो धकेला किसने? वो 2014 की बात हुई, 2014 से लेकर 2019 तक केंद्र के सरकार में हो या राज्य के सरकार में हो, हम शामिल हुए, क्योंकि तब अरुण जेटली साहब ने फोन किया था, तब पुरानी बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने फोन किया था उद्धव साहब को, और साथ में आ गए, चलो नेचुरल अलायंस मान ली। 5 साल में एक भी बार ना केंद्र सरकार, तो उनकी बहुमत की थी, लेकिन राज्य सरकार जो बहुमत की नहीं थी और हमारे वजह से बहुमत बनी थी, हमारे साथ की वजह से, कभी भी सरकार को हमने धोखा नहीं दिया, ना कभी कोई तकलीफ निर्माण की, ना कभी उनके बिल्स को कभी अड़ाया। जो बातें हम करना चाहते थे, अगर वो जैतापुर की बात हो, नानार की बात हो, आरे की बात हो, वो जाहिर सी बात थी, और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके करते थे, कभी हुडी पहन के
छुपके जैसे ये मिंदे गए थे फडणवीस साहब को मिलने, वैसे कभी नहीं हमने कॉल किया था हुडी पहन के, मिंदे गए थे फडणवीस साहब को मिलने, और फडणवीस साहब कभी कभी आते थे उनसे। आपको कैसे पता वो हुडी पहन के गए थे? आप देखिए गॉसिप सर्कल्स देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, मैं नहीं कहता हूँ। मैंने तो अमृता फडणवीस की जुबान से एक अच्छा तो मैंने ये कहीं पढ़ा था। नहीं आप उनका नाम ले, नहीं नहीं उसमें उन्होंने ये कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जेम्स बॉन्ड बन के जाते थे रात में, देर रात शिंदे से मिलने के लिए। पर आप कह रहे हैं शिंदे हुडी पहन के जाते थे, यानी अभी वो क्या पता नहीं उनका जो कुछ भी था, लेकिन हमने कभी सरकार को तकलीफ नहीं दी। ओके, तो आपने कहा दो अभी बात, दूसरी बात कहता हूं, ये जो आप ने कहा ना कि धकेला गया, अभी 2019 में भी जब लोकसभा के चुनाव थे, मुझे याद है तब पुलवामा का अटैक हुआ था, 14 फरवरी की बात थी, देवेंद्र फडणवीस जी घर पे आए थे और उनका यही चल रहा था कि कैसे भी करके ये अलायंस होनी चाहिए। हमने भी कहा ठीक है चलो देश के लिए अगर ठीक हो तो करनी चाहिए, लेकिन तब जो तय हुआ था, जो वंदने हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जो मेरे दादाजी उनके बेडरूम में तय हुआ था कि शिवसेना और भाजपा लोकसभा में जो सीट शेयरिंग है वैसे हुई, और फिर विधानसभा के लिए हाफ एंड हाफ सीट्स लड़ेगी और हाफ एंड हाफ टर्म के लिए सीएम डीसीएम पोस्ट शेयर करेगी। अगर आपने देखा ये मीटिंग कब हुई थी, कहाँ हुई थी? ये मातोश्री में हुई थी, अगले हफ्ते में हुई थी शायद, 19 को हमारी युति बन गई, गठबंधन तय हो गया, और फिर ब्लू सी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वर्ली में, तभी तय हुआ। कौन कौन था उस मीटिंग में? अभी आप तो जानते हो, सभी ने नाम लिया है, लेकिन उसके आगे मैं जाता हूँ। अगर बताइए खुल के, क्योंकि खुल के तो बात ही हुई था उस मीटिंग में, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आपको तो पता है भाजपा से उनके अध्यक्ष, हमारे तरफ से हमारे अध्यक्ष उद्धव साहब थे, देवेंद्र फडणवीस जी और मैं, हम सभी उधर थे, लेकिन अध्यक्ष अध्यक्ष में जो बात हुई तब खुल के मैं कहता हूं, जो भी है, लेकिन उसमें यही बात है कि हाफ एंड हाफ की बात है, हाफ एंड हाफ। और अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो देवेंद्र फडणवीस जी जो कह रहे हैं समझ समान पद व जवाबदारी, के सीएम ये पद नहीं है, जवाबदारी नहीं है, चलो हम तो पावर शेयरिंग का भी नहीं कहते, हम इससे भी आगे जाके कहते हैं कि जब चुनाव की बात हुई तब धोखा तो दिया, क्योंकि हमारे जो सीटें कंफर्म थी उसमें भी कम सीट लड़वाई गई, हमें पुशबैक किया गया। तो अगर बात यही से बिगड़ती है कि आपने जो वादा किया वो वादा हमसे नहीं निभा सके, तो आगे क्या बात? 50-50% सीट्स की का समझौता हुआ था ना, और पोस्ट सीएम डीसीएम पोस्ट की बात हुई थी, और ये उद्धव साहब ने तो जाहिर से बात कही है, सभा में कही है, लेकिन तो भी अगर आपने देखा होगा हम सरकार के, सरकार किसकी हो क्या हो इसमें भी नहीं गए थे। बात यही बनती है कि अगर आप एक जो वचन है वो नहीं रख सकते तो आगे जाके क्या बात बनेगी? वो तो यही कहते हैं हमेशा कि हमने तो मुख्यमंत्री पद बांटने का कोई फॉर्मूला ऐसा दिया ही नहीं था, कोई वादा किया ही नहीं। ऐसी बात है ना कि दोनों को आमने सामने जनता के सामने रखो और महाराष्ट्र की जनता को पूछो आप किस पे विश्वास रखते हो। वो तो ये कहते हैं कि हमने इसीलिए कभी पब्लिकली माना ही नहीं। पब्लिकली अगर मैं कह देता, अमित शाह भी ये बोले, अगर मैं पब्लिकली कहूँ तब तो आप मानिए। तो अगर हमारी अगर इंटरनल मीटिंग्स, चलो कल से प्रेस को लेकर बैठना चाहिए, लेकिन यही बात होती है। और फिर जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ जब बात बनी तो इसी वजह से थी, क्योंकि अगर ये जो तानाशाही के जो एक क्या बोलते स्ट्रीक है जो अभी है, तो आप देख रहे हो फुल फ्लेजेड होते जा रहा है, अंदरूनी अलायंस से अगर तानाशाही शुरू हो जाए तो फिर देश में तो बढ़ी जाएगी। क्यों धोखा दिया फिर आपको? अभी ये तो पता क्या, नहीं क्या, उनसे पूछे। क्या बीजेपी के मन में लालच आ गया कि हमें अकेले अपनी सरकार बनानी? मुझे लगता है देखिए ये बात है कि 25 सालों में जब हमारी युति थी भाजपा के साथ, तब ऐसी युति थी कि कोई सरकार हाथ में नहीं थी, ना सपनों में किसी की सत्ता थी, उनके सबसे खराब समय में हमने उनका साथ दिया। अच्छा चलो आपको दुश्मनी लेनी है ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन जब हमारे परिवार पे सबसे खराब समय बीत रहा था, जब उद्धव साहब की 2 सर्जरीज हुई थी, तभी इन्होंने हमारी सरकार गिराई, हमारे MLAs को चुराया और महाराष्ट्र को ऐसे एक चक्कर में डाल दिया कि सारी इंडस्ट्रीज यहाँ से लेके गए गुजरात। तो ये बात ना पर्सनल है, ना ये बात कभी इसकी भी नहीं ईगो की बात है, सरकार को तो हमने छोड़ दी थी, उद्धव साहब ने उसी दिन इस्तीफा दिया था, लेकिन उसके बाद धोखा उन्होंने महाराष्ट्र से किया, जब सारे जो इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आने चाहते थे या आना चाहिए थे वो तो गुजरात लेके गए, जो थे वो भी लेके गए। मैं थोड़ा सा और खुल के बताइए, बिल्कुल उस मीटिंग में क्या हुआ था, आप कह रहे हैं 50-50 सीट्स की बात हुई थी परसेंट की, बिल्कुल क्या बात हुई थी? जो मीटिंग में हुआ वो तो जनता के सामने है, क्योंकि उसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ भी ऐलान हुआ गया था। उसके बाद उद्धव साहब ने इसी हॉल के बाहर जब सारे लोग इकट्ठा आए थे उनको भी कहा कि जो है वो लोगों के सामने है। मैं इसी में वापस आना चाहता हूँ, आपको लेना चाहता हूँ कि ये बात ना सरकार की है ना सीएम पद की है, ये बात एटीट्यूड की है, ये बात रिश्ते की है। जो मई से लेके 2019 से लेके जब सरकार 303 की बनी उनकी, भाजपा की 303 आ गए, उसके बाद अक्टूबर तक जो बातें थी बिगड़ती गई और जो वादा उन्होंने किया था ना कोई वादा निभाया, तो वादा निभा नहीं सकते अंदरूनी तौर पे,
तो बाहर के अच्छा मान लीजिए अगर उस समय ये 50-50 वाली बात बीजेपी मान लेती तो पहले सीएम किसका बनता, क्या बात हुई थी? पहले बीजेपी का सीएम बनता? यही बात है, हम ये भी देना तैयार थे कि अगर हमारा सीएम पहले बनता तो इस्तीफा का जो डेट होती है, इस्तीफा की डेट, उसी पे लेटर पे साइन करके देने को तैयार थे। लेकिन मैं वापस कहना चाहता हूँ कि भाई हम 2.5 साल बाद आपका सीएम बना दें। एग्जैक्टली, लेकिन मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि ये बात सिर्फ सीएम पद की नहीं है। उद्धव साहब कभी भी अगर आप देखें तो झूठ के साथ खड़े नहीं रह सकते। उनको दर्द इसी बात का हुआ कि हमने जिसका साथ 25 साल दिया, 2 बार विश्वास रखा, 2014 में उन्होंने विश्वासघात करके भी उनकी साथ हमने दी। अगर आप झूठ कह रहे हो तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे, बाकी आप कुछ भी कहिए, हम साथ आते थे। अगर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाता 50-50 वाला, क्या तब भी आपकी तरफ से उद्धव जी सीएम बनते? वो अभी अगर मगर की बातों में जाना, क्योंकि बाद में वही बने, वो पता नहीं। लेकिन मतलब आपने सोचा नहीं था उस टाइम? लेकिन ये है, मैं यही सोचना चाहता हूँ कि अगर वो भी सरकार बन जाती और जो भाजपा का जो प्यार एक ही राज्य के प्रति है, देखो उस राज्य से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, गुजरात से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वेदांता फॉक्सकॉन महाराष्ट्र में 100% जो आने वाले थे, तळेगाव में आने वाले थे, उसे कहीं ढोलेरा लेके गए, वो तो देश से ही निकल गए क्योंकि गुजरात में उन्होंने कहा जानबूझ के कर रहे थे ये, क्योंकि आपकी सरकार यहाँ पे आ गई। नहीं, अभी तो उनकी सरकार है, उनकी सरकार होते हुए भी सारे इंडस्ट्रीज वो वहां लेके गए। क्यों? उनसे पूछे क्या हमने क्या गलत किया महाराष्ट्र में? भी चुनाव लड़ना है, वो ऐसा क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों करेंगे ऐसा? वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने चलो 40 MLA सूरत लेके गए, वेदांता फॉक्सकॉन वहां लेके गए, एयरबस टाटा वहां लेके गए, बल्क ड्रग पार्क वहां लेके गए, मेडिकल डिवाइस पार्क वहां लेके गए, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क वहां लेके गए, वर्ल्ड कप फाइनल आप भी जानते हो वानखेड़े में ही होनी चाहिए थी, वो भी वहां लेके गए, तो क्यों ऐसी मतलब बात? आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ गुजरात के समर्थन में भेदभाव? और देखिए, मेरा गुजरात से कोई झगड़ा नहीं है। हाँ। यहाँ काफी जो सारे दोस्त हैं मेरे वो भी गुजराती है, लेकिन जो देश भर से यहाँ युवा युवती आती है जॉब्स का सपना लेके, वो कहाँ जाए फिर? क्या हमने गुनाह किया है महाराष्ट्र ने कि हमारा GST जो केंद्र सरकार ने हमें देना चाहिए वो परतावा आता नहीं है, वो वापस आता नहीं है? क्या हमने गुनाह किया है कि सारे के सारे जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़े हेडक्वार्टर्स है, यहाँ से लेके वहाँ जा रहे? क्या हम इस देश के हिस्सा नहीं है? मतलब आप ये कह रहे हैं इशारों में कि अगर बाला साहब होते तो वो भी आपके इस कदम का स्वागत करते, आपके समर्थन में खड़े रहते, उन्होंने हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना है, ये धोखेबाज पार्टी है। रिश्ता जो था वो उनका जग जाहिर था, जो हमारा भी है। अगर आपने देखा होगा प्रणब मुखर्जी साहब जब प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे तो तब वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने ही उनको समर्थन दिया था। प्रतिभा ताई पाटिल कांग्रेस की जब नेता राष्ट्र की अध्यक्ष बनने जा रही थी तो उनको समर्थन उन्होंने दिया था। काफी सारी बार ऐसे हुआ है कि देश के हित में उन्होंने समर्थन दिया। कांग्रेस या NCP या कोई भी पार्टी दुश्मन देश से तो है नहीं, हमारे ही देश से है। 75 साल हो लोकशाही में काम किया उन्होंने, लोकतंत्र में काम किया। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो झगड़े होते हैं वो आपसी झगड़े नहीं होते। अगर विचारधारा आपकी एक हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये देश बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, तो साथ में आना क्या गुनाह है? लोग स्वीकार कर लेंगे। भाजपा तो PDP के साथ गई थी। कितने सारे अलायंसेस उन्होंने ऐसे किए हैं? आजकल तो सब हर पार्टी ने ऐसे अलायंस किए। और अभी आप तो किसी को सिंगल आउट और अभी कर सकते। तो जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस, अभी तो जो लोग वो ले रहे हैं, यहाँ जो उन्होंने कहा था मिर्ची के पार्टनर है, दाऊद इब्राहिम के दोस्त है, उनको तो आज लेके बिठा दिया है गोदी में नवाब मलिक। सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं ऐसे जिनपे क्रिमिनल केसेस है। बिल्किस बानो का जिसने रेप किया, उनका आप स्वागत करते हो, वो महिला किसी भी धर्म की हो, किसी की जात की हो, लेकिन जो रेपिस्ट है उसको फांसी देने के सिवाय आप उनको प्रचार में ला रहे हैं। लोग स्वीकार कर लेंगे कांग्रेस का? और मुझे लगता है अगर आप देखें तो लोगों में परिवर्तन आ रहा है। और मैं ये गलत नहीं कहूंगा कि ये सरकार जो है अभी की जो भाजपा सरकार है, 200 के आगे जाना उनका मुमकिन नहीं है। 200? वो तो 400 कह रहे हैं, कहने दो। लेकिन यही बात है ना। अच्छा, शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। आप जैसे ओपिनियन मेकर्स, मैं जैसे कोई एक छोटा बड़ा नेता यहाँ वहाँ का, छोटा हम, बड़ा हम जब सत्य की बात करें, ये अच्छा था। नहीं देखिए, मैं खुद को बड़ा नहीं मानता, मैं तो कितना 33 साल का हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं युवाओं की जो आवाज है, दर्द है, वो समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी वही आवाज है, वही दर्द है। और अगर मेरे महाराष्ट्र से सब लूट हो रही है, मैं ये पूछता हूँ कि लोकली हम महाराष्ट्र में भाजपा को क्यों चुने? 10 साल में बेरोजगारी कम नहीं हुई, इंडस्ट्रीज आई नहीं है, महंगाई कम नहीं हुई है। 10 साल भाजपा के केंद्र सरकार में बहुमत के महाराष्ट्र को क्या फायदा हुआ? चलो मैं तो पूछता हूँ, बिहार को क्या फायदा हुआ? कर्नाटका को क्या फायदा हुआ? उत्तर प्रदेश को क्या फायदा हुआ? यही बात है ना। अगर आप देखें तो युवा हर जगह के हम यही पूछ रहे हैं कि भाई आपने कहा था हर एक को घर मिलने वाला है 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में, मिला है घर?
किसानों की जो इनकम है वो डबल होनी थी, हुई है नहीं हुई है? ये सारी जो बातें हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वो तो चलती जा रही है। गैस, डीजल, पेट्रोल, जीडीपी बढ़ते जा रहा है, तो ये जीडीपी के बारे में जब बात करते हैं तो कौन सी जीडीपी? पर आप तो 10 साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं ना मोदी जी का, जिसमें शुरू के 5 साल तो आप उनके साथ थे, 14 से 19 तक। बिल्कुल थे। जब तब भी खराब काम हो रहा था या बाद में हुआ? बट जब भी हमें लगा कुछ गलत हो रहा है, हम झिझके नहीं, हमने बात कही है, सामने में लिखा है, हम आमतौर पर बात करते आए, और इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं, और ये हम पहली भी सरकार में करते आए। जब बीजेपी ये कहती है कि ये हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी थी, शिवसेना बीजेपी की तरह, और अब देखिए कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों के साथ ये मंच शेयर करते हैं, लेफ्ट पार्टियां कहती हैं परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। पद्म अवार्ड किसने दिया? आप मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में तो वो पूछ रहे ना हमें, तो यही बात कह रहे हैं हम कि वाजपेयी साहब की भाजपा जो थी वो अलग थी, और उनके साथ हमारा दिल का रिश्ता है। तो मतलब आप इस बार अपनी आइडियोलॉजी के साथ आप भी कन्विंस होगे कि ये भाजपा और वो भाजपा में फर्क है? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं यही कहता हूं, नई भाजपा में फर्क है, मैं यही कहता हूं कि जीतना अच्छा है, जीत की एक जीत का जो क्या बोलते हैं फायर इन द बेली है वो अच्छी है, लेकिन जीत के साथ कोएग्जिस्टेंस होना जरूरी है, खुद के जीत के साथ देश का भला होना जरूरी है, और यही बात हम कहना चाहते हैं। ओके, मतलब बाला साहब को लेकर जो आप पर हमला किया जाता है कि बाला साहब कांग्रेस विरोधी राजनीति करते रहे अपने पूरे करियर, पूरी जिंदगी, उनकी आत्मा रो रही होगी। मुझे लगता है इन्होंने क्या जाना है इनको, अगर आपने देखा होगा वो भी स्पष्ट, अगर उनके काफी सारे भाषण देखे तो वो यही कहते हैं जो देश हित में रहेगा उसके साथ हम रहेंगे, उसी के बारे में हम बात। अच्छा, बीजेपी को भी अक्सर वो लपेट लेते थे कभी कभी, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी का विरोध। और यही बीजेपी कभी ऐसे नहीं करती थी कि चलो आपको खत्म कर देंगे, क्योंकि जब वाजपेयी साहब की बीजेपी थी वो सबकी आवाज सुन लेती थी, और वही मिलीजुली सरकार की आज जरूरत है देश में, किसी भी पार्टी की हो, कोई भी राष्ट्रीय दल हो, मिलीजुली सरकार जरूरी है, क्योंकि अ स्ट्रॉन्गर नेशन, अगर आपको चाहिए कोई मजबूत देश चाहिए तो मजबूर सरकार होना जरूरी है, जो मजबूर है किसानों की आवाज सुनने के लिए, जो मजबूर है महिलाओं की आवाज सुनने के लिए, जो मजबूर है युवाओं की आवाज सुनने के लिए। तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें इस बार जीत लेंगे आप? 48 में? ज्यादा से ज्यादा, कोई असेसमेंट आपका? आंकड़ों पे नहीं जाते, वो तो कह रहे हैं हम सारी जीतेंगे, 40-42 तो पक्की है हमारी। जीतने तो चांद पे भी जीते। चुनाव मतलब